गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज है अष्टमी और गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट। लास्ट पर मैंने नहीं क्या लग गया अच्छा ढीला हो गया तो मेरी आउटफिट है। फटाफट से चलते हैं, मेट्रो रिक्शा आ रही है, आज हमें लहंगा महंगा देखने के लाना अपने लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। कैमरा तो गाइस खाने में है अभी ये खीर है ड्राई फ्रूट्स की और ये ब्रेड है हमारे लिए। ये फास्ट का खाना है और गाइस खाते हैं फिर चलते हैं फटाफट से। यार तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं नाच पटना। का बहुत टाइम हो गया मैं मेट्रो में बैठे बैठे और थोड़ा परेशान है लोग भी हमारी घर से लहंगा देखने के लिए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं मार्केट में बट कह रही मुझे भी ले ली सुंदर से आ जाऊंगी मैं क्या बोलूं मैं तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं। ये लियो ये भी शिकन। नहीं नहीं पहले यार पर्स देख ले। देख पर्स यहाँ पे भी है देखेगी। गाइस ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज थे। डिज़ाइनर ब्लाउज ओनली इन 500 से स्टार्ट थे। गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लाउज थे। आप भी आना यहाँ पे, मतलब नॉर्मल सिंपल सी साड़ी पे हैवी ब्लाउज बहुत ही सुंदर गेटअप आएगा। मतलब इनके पास मतलब पर्ल में भी थे। गाइस पर्ल का 1000 रुपीज़ का ब्लाउज है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। गाइस लहंगा डन करने के बाद फिर हमने खाए छोले भटूरे। वैसे बहुत गर्मी थी, छोले भटूरे खाने का मन तो नहीं था बट भूख भी लगी थी तो छोले भटूरे खाना तो ज़रूरी था ही। गाइस गाइस अभी हम छोले भटूरे खा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हमने लहंगा अपना ले लिया है, डन कर लिया है। अभी हम नहीं दिखाएंगे, बाद में देखना। बहुत ही प्यारा लहंगा है। मतलब दीक्षा का तो बहुत अच्छा है मेरे मन में, तो मतलब बिल्कुल भाग गया। लाजपत से हमारा काम डन हो गया और अब हम जा रहे हैं एक बार सरोजनी नगर, इसको कुछ पर्स ही पर्स वगैरह देखने हैं। थक गए हम गाइस। तो चमकेगी अब तो शर्म आ गई। गाइस हम फाइनली सरोजनी मार्केट आ गए हैं लड़ झगड़ के। हमने वहाँ से भी लिया लाजपत से, पर हम सिर्फ लहंगे वहंगे डन कर रहे हैं अभी वहाँ से। यहाँ से हमें पर्स वगैरह देखने हैं और शैलेटोज में जाएंगे यार। बट गर्मी बहन पहले कुछ पीते हैं यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखे होंगे ये इयर रिंग्स। गाइस वैसे तो इनकी 50 रुपीज़ की सेल लगती है बट आज ही हमें 20 रुपीज़ में मिले थे। गाइस आप भी जाओ 20 रुपीज़ में लेकर आओ इनको। पर गाइस मैंने एक चीज़ देखी, मतलब मैंने बहुतों के व्लॉग्स देखे थे सरोजनी नगर में ये है वो है, बट गाइस लिटरली यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कबाड़ा बड़ा था यहाँ की। मतलब जिसको कबाड़ा लेकर लेना है वो सरोजनी नगर आ जाओ। मतलब ये मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ भी। सोचो हमारा पूरा डे वेस्ट गया आज इसकी वजह से। फिर गाइस अब हम घर को आ रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह मिल रही थी तो मेरा लेने का मन करा, तो यहाँ से लिए हमने कप वगैरह और बाउल्स वगैरह। गाइस बहुत ही अच्छे थे, मतलब यहाँ पे था कि हाँ कुछ लग रहा है सामान, तो यहाँ से हमने कप के सेट लिए 100 रुपीज़ के 6 पीसेस और बाकी हमने ये सब जार्स वगैरह भी लिया 4 के और हमने बाउल्स लिए बड़े वाले और छोटे वाले और हमने स्पूंस ली। हमारा पूरा सामान गाइस 500 तक पड़ गया था बट हाँ यहाँ लग रहा था कि हमने कुछ लिया हुआ है। मतलब ये अच्छा लगा मुझे गाइस। गाइस घर पर हम लोग आ चुके थे 6:30 बजे शायद और 6:30 आने के बाद फिर मैंने चाय वाय पी, थोड़ा सा हाथ पैर धोए, कपड़े वगैरह चेंज करें, चाय वगैरह बनाई। यार गाइस आजकल तो डेली मार्केट जाना हो रहा है तो सर में दर्द हो रहा है। और मैं लेकर आई हूँ लड्डू के लिए एक कपड़े, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट से, अभी तो वो 2 महीने का ही है, बुआ का लड़का है ना जो हमारा छोटा, उससे मिलने के लिए जाऊँगी ना मैं अभी। तो मैंने सोचा कि चलो पहली बार जा रही हूँ, ले चलती हूँ कुछ लड्डू के लिए, वो दिखाती हूँ। देखो गाइस कितने छोटे थे लड्डू। उसका नाम तो वैसे वेदांत है पर मैं उसको लड्डू लड्डू बोलती हूँ। देखो ये ऐसे एक रुमाल की तरह फिट हो जा रहे हैं, इतना छोटू सा है। आपको भी मिलवाऊंगी मैं उससे। थोड़ा देखियो दूर हो जाओ, कैमरा कैसा हो गया देख ये तो मस्त हो गया एकदम। बता आप कहाँ हैं गाइस को
बताओ गाइस हम कहाँ हैं, बताओ गाइस हम चौराहे पे हैं गाइस, बड़ा वाला चौराहा है, बड़े वाले चौराहे पर है। हम वेट कर रहे हैं कि ग्रीन लाइट जल्दी से और हम जाएं। चल निकाल, अबे निकाल, वो गाड़ी वाले ने निकाल ली, बेइज्जती कराएगी ना। जाऊं ट्रैफिक रूल्स का पागला है। ओह माय गॉड, चलो भाई चलो चलो गाइस चलो। तो मतलब पूरा पकवान है तुझे पैक। तो गाइस हमारा थोड़ी परेशान है, घर से लोन दिया हमारी, तो उसने फोन करा कि चल दिया। मैंने कहा तो भैया चल चल लेते हैं। और अभी हम ये अपने सदन में बैठी हुई है, मुझे कुछ बात बता रही है। हम कमला नगर पहुंच रहे हैं यमुना विहार से। बताओ मिसेरी हम कहाँ हैं? मैंने उसे काटू कि घर है कहाँ, पहले मुझे ये बता दो। मैंने कहा कमला नगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए? मैंने दो थप्पड़ मारे, मैंने पहले तो होश में आ, उसके बाद बात कर। ये मोमोज वाला है लेने के, मोमोज दारू का ठेका भी है, मोमोज खाएंगे। बज चुके हैं और अभी हम आए हैं यमुना विहार। हम 1.5 घंटे से वहीं पे घूम रहे थे, रूपनगर, कभी कहीं कभी, और ये पीछे पीछे आ रही है। यहाँ सबसे अब तो कुछ बंद हो गया है, कुछ खाते हैं मोमोज वगैरह या देखते हैं क्या खाएं, उसके बाद बताते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। क्या ऑर्डर करें, चूर चूर नहीं खाली ऑर्डर करें, दिमाग खराब हो गया यार। हमारा खाना, चल खाना चालू कर। तो गाइस मैं घर पर आ चुकी, फटाफट चेंज कर लेते हैं। 11 बज गए, पहले गालियाँ सुनने वाले घर वालों को। शिट यार, ये देखना कैसे पड़ा हुआ मेरे पीछे। आ बोल रही है, चुप में गाइस। 11:30 बज रहे, कैसी हालत हो रही है इसकी, सो पी के पड़ा हुआ है, जैसे कितना मेहनत का काम करके बैठा होगा। गोली उठ जा, उठ जा, जो घुरा रहा है उठे, मेरी जगह है ये, उठ उठ जा, उठ मेरी जगह, तकिया दे। इसको हटाने पे ऐसा करता है, हट मेरी जगह ये, मैं सोऊंगी यहाँ, बैठ जा जा। अभी नॉर्मल हो गया, अभी तक चिल्ला रहा था, नीचे सो गया गुस्से के मारे। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो, पर ऐसा नहीं कि नहीं है, आए तब तो लेट है, बिना खड़ा दिखाएगा, हम सो जाते हैं। गाइस इसको देखना, पढ़ ले पढ़ ले। गाइस 12 बज रहे और ये देखो फोन में लग रहा, लैपटॉप खोल के बैठा हुआ पर पढ़ाई नहीं कर रहा। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई, मैं तो कुछ नहीं लेकर आई, मैं सिर्फ एक इयररिंग्स और एक लड्डू के कपड़े लेकर आई हूँ। बाकी दीक्षा लेकर आई थी पर्स, स्लीपर्स, जीन्स वगैरह, और एक सूट लिया उसने अपनी मम्मी के लिए। आज ऐसे पहली बार हुआ कि मैं कुछ नहीं लेकर आई मार्केट से। तो गाइस बस एक मेरा यही था छोटा सा शॉपिंग का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। रात के हो रहे हैं 12:30, देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस अब करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय जी, राम राम जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।